जो आपका एग्ज़ाम हुआ था VSTC राजस्थान एग्ज़ाम, और ये हुआ था आपका 31 अगस्त को। देखिए दोस्तों, VSTC राजस्थान को हम लोग प्री DLED भी कहते हैं, और इसका एग्ज़ाम आपका हो चुका है। बहुत लोगों का कमेंट होगा कि इसका रिज़ल्ट सर कब आएगा, और इसकी जो काउंसलिंग प्रोसेसिंग है वो कब से स्टार्ट होने वाली है। तो इसकी जो प्रक्रिया स्टार्ट होगी पूरी डिस्कस करेंगे विद कटाप के साथ। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाला टाइम में आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, VSTC राजस्थान का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसकी जो मतलब रिज़ल्ट आने की जो डेट है वह मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ आपको 11 से 12 सितंबर के बीच। देखिए दोस्तों, 10 से 15 से 20 दिन का टाइम लग सकता है, मतलब आप 11 से 20 तारीख तक आप देख सकते हैं सितंबर में कि आपका रिज़ल्ट आने के चांसेस काफ़ी हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम ये हुआ है काफ़ी लेट हुआ है, इसलिए इसकी प्रोसेस जो प्रक्रिया होगी काउंसलिंग वगैरह की वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट होने की प्रक्रिया करी जाएगी, और इसका जो रिज़ल्ट आएगा 15 से 20 सितंबर के बीच आपका आ सकता है। अब देखिए, काउंसलिंग प्रक्रिया, रिज़ल्ट आने के कुछ दिन बाद काउंसलिंग शुरू हो जाती है। तो दोस्तों देखिए, इसकी जो काउंसलिंग होगी वो 25 से 28 सितंबर के बीच आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो हम लोग इसके कट ऑफ मार्क्स की बात करते हैं। मैंने कल एक वीडियो बनाया था, लेकिन आज फिर से बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। और देखिए, जनरल में मेल कैंडिडेट जो होते हैं इनका जो कट ऑफ जा सकता है दोस्तों, अगर आपने 429 से 440 के बीच अगर आपके मार्क्स निकल रहे हैं तो आपका चांसेस है सिलेक्शन का। और जनरल में फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो इनके जो मार्क्स लाने की ज़रूरत है वो हो जाएगी 410 से 420 मार्क्स के बीच। अब देखिए, SC कैंडिडेट में मेल कैंडिडेट की बात करते हैं, कैटेगरी में मेल कैंडिडेट की बात करते हैं, तो दोस्तों देखिए, 400 से 412 मार्क्स तक आपको लाने ही लाने हैं। अब SC कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, तो उनको 370 से 381 के बीच मार्क्स लाने हैं। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों, जो कि आपका कट ऑफ इतना जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, OBC में अगर मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो OBC में ये कट ऑफ जा सकती है 409 मार्क्स तक, और OBC में फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करते हैं तो वो जा सकती है 368 के बीच। अब ST कैंडिडेट में, ST कैटेगरी में मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो वो जा सकती है 385, और ST कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं वो जा सकती है 309। तो दोस्तों, मैंने आपको एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट डेट, काउंसलिंग डेट और कट ऑफ के बारे में बताया है। अगर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।